नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बिंदु पांडे, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी लोगों का कक्षा 11 की समाजशास्त्र की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में हम लोग सामाजिक संस्थाओं को समझना इस पाठ को पढ़ रहे हैं। इसके 8 भागों को हम अपनी पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आज इसका 9वां भाग हमारी पाठ्य वस्तु है। तो आइए एक दृष्टि डालते हैं कि हमने अपनी पूर्व की कक्षा में क्या पढ़ा था और हमारी आज की पाठ्य वस्तु क्या है। प्यारे बच्चों, पूर्व की कक्षा में हमने जाना था कि संस्था क्या है, संस्था किसे कहते हैं और यह समाज को सुचारू रूप से संचालित करने में किस प्रकार का सहयोग प्रदान करती है। उसके बाद हमने संस्था के प्रकार को समझा था। संस्था के प्रकार को समझने के बाद हमने परिवार संस्था को विशेष रूप से पढ़ा था। हमने जाना था परिवार किसे कहते हैं, परिवार के कितने प्रकार होते हैं और यह परिवार मनुष्य के सामाजिकरण में क्या भूमिका निभाता है, इससे हम सुपरिचित हुए थे। प्यारे बच्चों, परिवार के बाद हमने नातेदारी संस्था को पढ़ा था। नातेदारी का क्या स्वरूप है, नातेदारी किसे कहते हैं, नातेदारी का क्या महत्व है, इससे हम परिचित हुए थे। उसके बाद हमने विवाह संस्था को पढ़ा था। विवाह क्या है, विवाह मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है, इससे हम सुपरिचित हुए थे। और उसके बाद हमने धर्म संस्था को पढ़ा था। धर्म किसे कहते हैं, धर्म का क्या स्वरूप है, धर्म मनुष्य के सामाजिकरण में किस प्रकार का योगदान देता है, धर्म का समाज पर किस प्रकार का नियंत्रण है, इससे हम परिचित हुए थे। उसके बाद बच्चों, हमने शिक्षा संस्था को पढ़ा था। शिक्षा क्या है, विभिन्न विद्वानों की दृष्टि में शिक्षा किसे कहते हैं, भारत में शिक्षा का क्या स्वरूप है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, भारत में शिक्षा का क्या महत्व है, इससे हम सुपरिचित हुए थे। उसके बाद बच्चों, हमने आर्थिक संस्थाओं को पढ़ना प्रारंभ किया और उसके अंतर्गत हमने आर्थिक संस्थाओं का अर्थ और उसकी परिभाषा को पढ़ा कि आर्थिक संस्था किसे कहते हैं, आर्थिक संस्थाओं को हम समाजशास्त्र के अंतर्गत क्यों पढ़ रहे हैं, इसको हमने विशेष रूप से अपनी पूर्व की कक्षा में पढ़ा है। आइए अब हम एक दृष्टि डालते हैं कि हमारी आज की पाठ्य वस्तु क्या है, हमारे आज के विचार बिंदु क्या हैं। प्यारे बच्चों, आज हम विभिन्न आर्थिक संस्थाओं को पढ़ेंगे, उनके स्वरूप से परिचित होंगे जो वर्तमान में प्रचलित हैं। उसके बाद इन विभिन्न आर्थिक संस्थाओं के अंतर्गत हमने संपत्ति संस्था को अपनी पूर्व की कक्षा में पढ़ लिया है। आज हम श्रम विभाजन, संविदा संस्था, बाजार संस्था, विनिमय प्रणाली संस्था और प्रतियोगिता संस्था को विशेष रूप से पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों, आज हम अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार, कितने स्वरूप भारत में प्रचलित हैं, इससे परिचित होंगे। मुख्यतया भारत में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित रही है। वह है आदिम अर्थव्यवस्था, आदिकाल में भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी या जनजातियों के मध्य अभी भी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है, उससे हम सुपरिचित होंगे। उसके बाद हम कृषि अर्थव्यवस्था को समझेंगे और अंत में जो भारत में प्रचलित अर्थव्यवस्था है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इससे सुपरिचित होंगे। तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम हम श्रम विभाजन इस संस्था को देखते हैं। श्रम विभाजन एक प्रमुख समाजशास्त्री हुए हैं
दुर्खिम। इन्होंने कहा है कि मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए श्रम विभाजन एक मुख्य आर्थिक और सामाजिक संस्था के रूप में प्रकटित हुआ। श्रम विभाजन क्या है? कार्य का बंटवारा होना। प्राचीन काल में यह व्यवस्था थी कि पुरुष वर्ग जो होगा वह बाहर से परिवार के लिए आय अर्जित करके लाएगा, खाद्यान्न अर्जित करके लाएगा, परिवार के भरण पोषण का उत्तरदायित्व निभाएगा, और महिला संवर्ग भोजन बनाने, बच्चों के पालन पोषण करने का उत्तरदायित्व निभाएंगी। यह नियत विभाजन था। परंतु जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई और व्यक्तियों की जरूरतें बढ़ने लगी, बड़ी मात्रा में उत्पादन होने से व्यक्तिगत कुशलता को महत्व दिया जाने लगा तथा आर्थिक प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। इसके फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया में वही कार्य करना जरूरी हो गया जिसके लिए वह सबसे अधिक योग्य हो, सबसे अधिक कुशल हो, और इस दशा ने विशेषीकरण को प्रोत्साहन दिया। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए महिला अध्यापकों की नियुक्ति होने लगी कि वह उन्हें विशेष मातृत्व देकर के, विशेष संबल, विशेष प्रेम देकर के उन्हें पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, अपनी पूर्व की कक्षा में हम विशेषीकरण से विशेष रूप से परिचित हुए थे। इसका तात्पर्य है स्पेशलाइजेशन। जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में विशेष दक्ष है वह उसी कार्य को करेगा। यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर के कार्य में दक्ष है तो वह उसी कार्य को करेगा। यदि कोई व्यक्ति भोजन बनाने में विशेष रूप से दक्ष है, उसने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, तो वह बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भोजन बनाने का कार्य करने लगा। इसमें लिंग भेद के आधार पर नियुक्तियां नहीं होती हैं कि अमुक लिंग ही यह काम करेगा, वह पुरुष हो या स्त्री, जिस कार्य में दक्ष है वह उसी कार्य को करेगा। संविदा। वर्तमान जटिल समाजों में संविदा दो पक्षों के बीच किया जाने वाला लिखित समझौता है। इसमें दोनों पक्षों के अधिकारों और कर्तव्यों की शर्तें शामिल होती हैं और यह संविदा राज्य के कानून द्वारा मान्य होता है। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक कार्य करने वाला और एक कार्य करवाने वाला। एक पक्ष नियोक्ता होता है और एक पक्ष की नियुक्ति होती है, और दोनों के मध्य कुछ लिखित शर्तें होती हैं कि आप कितने अवधि तक कार्य करेंगे, कितना कार्य करेंगे, कार्य का क्या स्वरूप होगा, और उस कार्य के बदले नियोक्ता कार्य करने वाले व्यक्ति को कितना मानदेय, कितनी धनराशि का भुगतान करेगा। आजकल बहुत सारे विद्यालयों में संविदा पर अध्यापकों की नियुक्ति हो रही है। बहुत सारे ऐसे कार्यक्षेत्र हैं जहां पर संविदा पर कार्य करने वाले लोग नियुक्त हो रहे हैं। उसमें नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य एक समझौता होता है, उसकी कुछ शर्तें होती हैं और उन शर्तों के मध्य वह कार्य संपन्न होता है। यह जो संविदा संस्था है, यह दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद, किसी प्रकार का संघर्ष ना हो, इसका नियमन करती है। वर्तमान समय में यह संस्था विशेष रूप से प्रचलित हुई है और यह दोनों पक्षों के मध्य विवाद और संघर्ष रोकने में बहुत ही सहायक हुई है।
उसके बाद एक अगली संस्था है बाजार संस्था। प्यारे बच्चों, बाजार एक ऐसे स्थान के रूप में देखा जाता है जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। कोई व्यक्ति बाजार में किसी वस्तु को बेचने के लिए बैठता है और दूसरा व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से वस्तुओं को खरीद करके घर लाता है। जिस स्थल पर इस क्रय विक्रय कार्य को संपन्न किया जाता है वह स्थान बाजार के नाम से जाना जाता है और यह बाजार आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत एक संस्था के रूप में मान्य है जो आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए व्यक्तियों के संबंधों को नियमित करती है। ये बाजार कई प्रकार के होते हैं। स्थायी बाजार वस्तुओं के क्रय विक्रय का वह स्थल जहां स्थायी रूप से दुकानें लगती हों, उनके खुलने और बंद होने का नियत समय हो, वह स्थायी बाजार है। अस्थायी बाजार जैसे कुछ व्यक्ति ठेलों पर लेकर के अपनी कुछ सामग्री बेचते हैं या मेले इत्यादि में कुछ समय के लिए बाजार लगता है, वह भी अस्थायी बाजार के अंतर्गत आता है। स्थानीय बाजार जो किसी स्थान विशेष पर लगे, गांव के बाहर बाजार, किसी शहर में किसी नियत स्थान पर लगा हुआ बाजार स्थानीय बाजार कहलाता है। राष्ट्रीय बाजार राष्ट्रीय स्तर पर जो बाजार नियत होते हैं उन्हें राष्ट्रीय बाजार कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार हों उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। जैसे भारत में अरब देशों से जो तेल आता है वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीद कर आता है। भारत से जो चाय पत्ती का भेजा जाना दूसरे देशों को जाता है वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चाय पत्ती की बिक्री होती है, वही अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। सामान्यतया बाजार में खुली प्रतियोगिता होने के कारण वस्तुओं के गुण और उनकी पूर्ति के आधार पर उनकी कीमत का निर्धारण होता है। जिस वस्तु की जितनी क्वालिटी होती है, जितने उसमें गुण होते हैं उसके आधार पर और मांग के सापेक्ष उस वस्तु की कितनी पूर्ति हो रही है उसी के आधार पर उस वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, उसकी कीमत निर्धारित होती है। विनिमय प्रणाली, विनिमय प्रणाली क्या है? व्यक्ति के पास अपनी जरूरत को पूरा करने के बाद जो वस्तुएं शेष बचे उन्हें दूसरे व्यक्तियों द्वारा किए गए अतिरिक्त उत्पादन से बदल करके वह अपनी जरूरतों को पूरा करता है, इसे विनिमय कहते हैं। से सामान्य भाषा में हम लोग समझते हैं जैसे एक कृषक कृषि कार्य में लगा हुआ है, वह अन्न का उत्पादन करेगा तो केवल अन्न से ही तो उसकी सारी जरूरतें पूरी नहीं हो जाएंगी, अन्न के अतिरिक्त उसे वस्त्र चाहिए, बीमार पड़ने पर औषधि चाहिए, कहीं जाना है, कहीं यात्रा करना है तो उसे वाहन की आवश्यकता होगी, उसे अपने बच्चों को पढ़ाना है तो उनके लिए फीस, उनके लिए किताबें पुस्तकें इत्यादि वस्तुओं की भी आवश्यकता होगी। अब ये सारी चीजें तो अकेले उत्पन्न कर नहीं सकता है, उसने क्या किया, अन्न का उत्पादन किया और ये सारी वस्तुएं किसी दूसरे के पास है, कोई औषधि निर्माण कार्य में लगा हुआ है, कोई वस्त्र उत्पादन में लगा हुआ है, कोई अध्यापन का कार्य कर रहा है, कोई पुस्तकों को छाप रहा है, सब अलग अलग समाज के व्यक्ति हैं। वह अन्न के बदले इन सारी वस्तुओं को ले सकता है, लेता था, इसे ही विनिमय कहते हैं। कुछ समय तक तो जिस व्यक्ति के पास जो वस्तु रहती थी उसी से बदल करके वह अपनी जरूरत की दूसरी चीजें दूसरों से ले लेता था, परंतु कालांतर में जैसे कृषि उत्पादन बढ़ने लगा तो केवल अन्न
के बदले ही सब कुछ मिल पाना संभव नहीं था, तब मुद्रा का प्रचलन हुआ। वह अन्न को बेच करके मुद्रा का अर्जन करने लगा और मुद्रा के बदले अपनी जरूरत की दूसरी चीजों को लेने लगा। यही विनिमय प्रणाली है। प्राचीन भारत में गाय विनिमय का माध्यम हुआ करती थी। मध्यकालीन भारत में अन्न विनिमय का माध्यम हुआ। अन्न के बदले कोई भी सामग्री जरूरत के हिसाब से व्यक्ति लेने लगे थे। परंतु बाद में जब मुद्रा का प्रचलन हुआ तो अपने पास जो वस्तु अधिक मात्रा में है उसे बाजार में बेच करके उसके बदले मुद्रा अर्जित की गई, और मुद्रा अर्जित करके उस मुद्रा के द्वारा जिस वस्तु की आवश्यकता होती थी वह वस्तु खरीद करके आ जाती थी। यही विनिमय है। प्रतियोगिता के कारण व्यक्ति अपनी योग्यता और कुशलता को बढ़ा करके आर्थिक जीवन में अधिक से अधिक प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह भी एक संस्था है, एक स्वस्थ प्रतियोगिता आयोजित होती है। सब लोग अपनी गुणवत्ता बढ़ा करके, अपनी कुशलता बढ़ा करके आर्थिक जीवन में प्रतिभाग करते हैं और सफल होकर के अपना प्रतिष्ठित और सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं। अब हम अर्थव्यवस्था के प्रकार से परिचित होंगे। आर्थिक संस्थाओं की विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि संस्थाओं की प्रकृति के अनुसार ही अर्थव्यवस्था के एक विशेष रूप का निर्धारण होता है। जैसे वर्तमान में संविदा संस्था प्रचलित हुई है, यह बहुत पहले नहीं थी। भारत के संदर्भ में अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहली अर्थव्यवस्था है आदिम अर्थव्यवस्था, दूसरी है कृषि अर्थव्यवस्था और तीसरी है औद्योगिक अर्थव्यवस्था। आइए बच्चों, अब हम इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं के स्वरूप से परिचित हो लेते हैं। आदिम अर्थव्यवस्था को हम सरल अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि यह जनजाति तथा पिछड़े हुए समुदायों की अर्थव्यवस्था है। आदिम समुदायों का जीवन मुख्यतया प्रकृति पर निर्भर होता है और उनकी जरूरतें बहुत कम होती हैं। उनका जीवन जो है अपने ही परिवार और नातेदारी समूह तक सीमित रहता है। इस अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं कि यह अर्थव्यवस्था संपत्ति का अधिक स्पष्ट रूप नहीं रखती, इसमें संपत्ति का स्पष्ट उल्लेख नहीं होता है। सामान्यतया मनुष्य के जीवन को सरल बनाने के जितने साधन होते हैं वही संपत्ति होते हैं। उस समय जब यह अर्थव्यवस्था प्रचलित थी या जनजाति समूहों में उनकी कुल्हाड़ी, उनके हल बैल, उनके पशु ही उनकी संपत्ति होते हैं। श्रम विभाजन जो है वह आयु और लिंग पर ही आधारित होता है कि महिलाएं कठोर कार्य को नहीं करेंगी, वह घर में भोजन बनाने, बच्चों के पालन पोषण को ही देखेंगी और परिवार के भरण पोषण का जो उत्तरदायित्व है वह पुरुष वर्ग पर ही आधारित है। साधारणतया प्रत्येक परिवार अपने मुख्य जरूरतों से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन स्वयं कर लेता है, उसे समाज के किसी दूसरे वर्ग पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। उसे जिन जिन वस्तुओं की जरूरत है वह उन सारी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं कर लेता है। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का रूप बहुत सरल होने के कारण संविदा की कोई जरूरत नहीं होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य में विशेष दक्ष नहीं है तब भी वह जितना जानता है उतने से ही काम चला करके अपना जीवन यापन कर लेता था। इसमें मजदूरी प्रणाली और श्रम संबंधों का अभाव होता है।
इसमें कोई व्यक्ति किसी का मजदूर नहीं होता है, सहयोगी होता है। व्यवसाय की प्रकृति साधारणतया आनुवांशिक होती है। पुत्र जो है वह पिता का ही व्यवसाय अपनाता है और उस व्यवसाय को करने के लिए उसे किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। वह अपने श्रेष्ठ जनों अपने पिता के साथ रह करके ही उस व्यवसाय के समस्त गुण को सीख जाता था। यही इस आदिम अर्थव्यवस्था का स्वरूप था, वैशिष्ट्य था। कृषि अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में जब मानव समूहों ने एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास करके कृषि को ही अपनी आजीविका और आर्थिक क्रियाओं का मुख्य साधन बनाया, तब यह अर्थव्यवस्था प्रारंभ हुई। इस अर्थव्यवस्था में भूमि, पशु तथा खेती के काम में आने वाले उपकरण मनुष्य की संपत्ति बन गए। भूमि पर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के स्वामित्व का प्रचलन प्रारंभ हुआ। कृषि अर्थव्यवस्था में कृषि का उत्पादन अधिक होने के कारण अतिरिक्त फसल को बाजार में बेचकर उससे लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी और इस दशा ने स्थायी बाजार को प्रोत्साहन दिया। कोई स्थायी जगह होगी तभी तो नियत समय और नियत स्थल पर जाकर के व्यक्ति अपनी फसलों को बेच पाएगा, उसका विक्रय कर पाएगा। यह कृषि अर्थव्यवस्था में प्रचलित हुआ। जैसे जैसे बाजार का रुख व्यवस्थित होता गया, नगर राज्य आर्थिक क्रियाओं के केंद्र बनते गए। इस अर्थव्यवस्था में व्यक्तिवाद की प्रधानता नहीं रही, सामूहिक जीवन का विशेष महत्व हो गया, क्योंकि कृषि कार्य अकेले किया जाना संभव नहीं है, इसमें बहुत लोगों की आवश्यकता होती है, इसीलिए सामूहिक जीवन प्रारंभ हुआ। अब प्रारंभ हुई औद्योगिक अर्थव्यवस्था। औद्योगिक अर्थव्यवस्था यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। जब मानव शक्ति का स्थान, अब तक तो सारे कार्य मानव ही कर रहे थे, चाहे वह कृषि कार्य हो, कटाई बुनाई का कार्य हो, जितने भी कार्य थे मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए, सारे कार्य मानव स्वयं कर रहे थे, उनका स्थान किसने ले लिया? भाप और बिजली की शक्ति से चलने वाले इंजनों ने ले लिया। तब क्या हुआ? उत्पादन और यातायात की प्रणाली में तेजी से परिवर्तन होने लगा। यह औद्योगिक अर्थव्यवस्था के नाम से जाना गया। इस अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं कि मानव और पशु शक्ति के स्थान पर बड़ी बड़ी मशीनों का उत्पादन किए जाने लगा। इससे पूर्व में यातायात के साधन के रूप में जो पशु प्रयुक्त होते थे, उनकी जगह भाप और बिजली से चलने वाले इंजनों ने ले लिया। बड़ी बड़ी मशीनों का उत्पादन होने लगा। उत्पादन का उद्देश्य उपभोग की जरूरत को पूरा करना ना होकर आर्थिक लाभ प्राप्त करना हो गया। अब केवल जीवन जीने के लिए वस्तुओं का उत्पादन नहीं होने लगा, उपभोग के लिए होने लगा, आराम के लिए होने लगा और आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो हमारे उत्पादन से, यह भी उद्देश्य हो गया। श्रम विभाजन का एक जटिल विभाजन प्रारंभ हुआ। अब स्त्री पुरुष किसी के लिए कार्य नियत नहीं रह गए, जो जिसमें दक्ष है वह उसी कार्य को करने लगा। इसका एक और वैशिष्ट्य हुआ कि जो श्रमिक कार्य करते थे उनको उत्पादन से जो लाभ मिल रहा है उस लाभ में उन्हें हिस्सा नहीं मिलता था। एक नियत धनराशि उनको मजदूरी के रूप में, वेतन के रूप में प्राप्त होने लगी कि आपको इस कार्य के बदले यह वेतन मिलेगा। यह इस अर्थव्यवस्था का वैशिष्ट्य हुआ। यह औद्योगिक अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से मुद्रा पर आधारित हो गई।
इसमें विनिमय का माध्यम मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम बनाया। इसमें मुद्रा का प्रचलन सर्वाधिक रूप से बढ़ा। श्रम की जगह पूंजी को अधिक महत्व मिलने लगा। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं इसका महत्व इस अर्थव्यवस्था में नहीं रह गया। आपके पास कितनी पूंजी है इसका महत्व इस औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बढ़ गया। वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों तथा निगमों की स्थापना होने लगी। उत्पादन के लिए कंपनियां स्थापित होने लगी जिसमें मनुष्य श्रमिक के रूप में कार्य करने लगे। एक नियत समय नियत धनराशि पर जाकर के काम करने लगे। तभी संविदा संस्था अस्तित्व में आई कि आपको इतने दिन के लिए नियुक्त किया जाता है और आपके कार्य की प्रकृति इस प्रकार की होगी और इस कार्य के बदले आपको इतना धन दिया जाएगा। यह संविदा में स्पष्ट उल्लिखित रहता है। और क्या हुआ, जब बिक्री करना हुआ तो उसके लिए निगम की स्थापना हुई। उत्पादन कंपनियों ने किया और बिक्री निगमों ने किया। खाद्य निगम इसी का एक प्रतिमान स्वरूप है। वैयक्तिक संबंधों की जगह वैयक्तिक और हित प्रधान संबंधों में वृद्धि होने लगी। इस अर्थव्यवस्था में इसमें व्यक्तिगत संबंध कुछ नहीं रह गए। जिसका जिससे लाभ है वह उसके साथ कार्य करने लगा, उससे मित्रवत संबंध बना लिया। लाभ खत्म, संबंध खत्म। व्यक्तिगत संपत्ति इस अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति को सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। जिसके पास जितनी अधिक संपत्ति है उस व्यक्ति को समाज में उतनी अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगी। संपत्ति विहीन व्यक्ति को समादर की दृष्टि से नहीं देखा जाने लगा। प्यारे बच्चों, अब हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न, हमारा पहला अभ्यास प्रश्न है विनिमय संस्था की अवधारणा बताइए। विनिमय किसे कहते हैं इसे आपको स्पष्ट करना है। दूसरा प्रश्न है संविदा संस्था क्या होती है, संविदा किसे कहते हैं इसे आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है अर्थव्यवस्था के प्रकार बताइए। कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था भारत में प्रचलित रही है इसका उल्लेख आपको करना है। और चौथा प्रश्न है कृषि अर्थव्यवस्था क्या है इसकी विशेषताएं बताइए। प्यारे बच्चों, आशा है यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। शेषम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।